कहते हैं जब किस्मत साथ हो तो इंसान से हर मुसीबत अपने आप टलने लगती है, और इन दिनों लगता है किस्मत राहुल का खुलकर साथ दे रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी हर मुसीबत से आसानी से पार पा रहे हैं। ताजा मामला 98 सांसदों की सदस्यता रद्द करने से जुड़ा है, जिनकी कुर्सी अब बच गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला कांग्रेस के पक्ष में सुनाया है। हाईकोर्ट ने सांसदों की सदस्यता रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कांग्रेस के 98 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग थी। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह ने दायर की थी। फैसले पर जस्टिस मनोज और मनीष कुमार ने फैसला सुनाया। दरअसल याचिकाकर्ता भारती सिंह का कहना था कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने वोटर्स को रिश्वत की पेशकश की, जिस वजह से कांग्रेस 98 सीटें जीतने में सफल हो गई। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान सरकार बनने पर 8500 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया था, जिसे भारती सिंह ने वोटर्स को रिश्वत बताया था। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका को ही खारिज कर दिया। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के जिन 98 सांसदों पर अयोग्य ठहराए जाने की तलवार लटक रही थी, वो हट गई है।